नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHU के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम सन इज ड्यू टू, जो हमें सन से एनर्जी प्राप्त होती है उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फिशन, और सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियर एफ। अब देखिए, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है केमिकल रिएक्शन, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। तो हम जानते हैं जो हमारे सन स्टार्स उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है न्यूक्लियर, जो वहाँ पर ना बिके सलेन बिगड़ी होती है, तो उनको कहते हैं नाभिक न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा। और ये भी याद कर लीजिए कि जो न्यूक्लियर जो हमारे पास तारे हैं हमारी गैलेक्सी में उनमें भी नाभिकीय सलयन बिगड़ी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो अब अगला क्वेश्चन है उसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अल्फ़ा रेज। हमें अल्फ़ा रेज के बारे में चार ऑप्शन गिवन है, उनके बारे में बताना है कि इनके बारे में कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो देखिए, उसको देखने से पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, ऐसे आप आई ए बी जी, जैसे हम उनके आयनाइजेशन पावर याद करते हैं तो वो कहीं कभी भूल सकते हैं, और जो उनकी पेनिट्रेशन पावर होते हैं वो भी हम कहीं भूल सकते हैं। अब देखिए क्या है, आई ए बी जी यानी कि जो आयनाइजेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अल्फ़ा की, अल्फ़ा की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा की, और सबसे कम हमारे पास गामा रे की आयनाइजेशन पावर सबसे कम होती है। उस ये तो हो गया आई ए बी जी, आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है अल्फ़ा बीटा उसके बाद गामा की। उसको आप रिवर्स कर दोगे यानी कि रिवर्स करने से क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो गामा उसके बाद बीटा उसके बाद अल्फ़ा, तो जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है गामा रे की, उसके बाद बीटा रे, उसके बाद अल्फा रे। तो अब देखिए ऑप्शन क्या क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गामा रेज, तो गामा रेज के बारे में कौन सा सही नहीं है। ग्रेट आयनाइजेशन पावर बट लो पेनिट्रेशन पावर, ये कह रहा है कि जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है और जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे कम होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। अब ऑप्शन बी भी देखिए, लो आयनाइजेशन पावर बट हाई पेनिट्रेशन पावर, ये तो यहाँ पे तो कह रहा है कि इसकी जो आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है कि लो आयनाइजेशन पावर, यानी कि वो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन सी है पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस और डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप याद कर सकते हैं आई ए बी जी यानी कि आयनाइजेशन पावर होती है सबसे ज़्यादा होती है अल्फ़ा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा की। जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो होती है सबसे ज़्यादा होती है गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फ़ा। अब अगला क्वेश्चन है वो देखिए, उसके बाद एक जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उससे आया है कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है उसके बारे में स्टेटमेंट है वो कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इनमें से कौन सा सही है। शॉर्ट रेंज एंड स्पिन डिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज एंड स्पिन इंडिपेंडेंट, लॉन्ग रेंज एंड स्पिन डिपेंडेंट, लॉन्ग रेंज एंड स्पिन इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है फोर्स वो शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज एंड स्पिन इंडिपेंडेंट होता है, ये स्पिन पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या, इसके बारे में आपको जो हमारा हाफ लाइफ टाइम होता है उसमें हाफ लाइफ टाइम होता है हमारे पास टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, जहाँ पर लेमडा है डीके कॉन्स्टेंट, टी बाई टू है हाफ लाइफ टाइम, ये है हाफ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ये है डीके कॉन्स्टेंट। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए न्यूक्लियस इज रिलेटेड विथ डीके कॉन्स्टेंट लेमडा।
तो जो हमारा मीन या एवरेज लाइफ टाइम होता है उसको हम डिनोट कर सकते हैं टी बार से, या इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये एवरेज ही होता है। तो जो हमारा एवरेज लाइफ टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। इसको हम दूसरी टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा टी हाफ हो टी एवरेज होता है वो होता है, यहाँ पर हम टी हाफ इसके लिए रख सकते हैं। तो देखिए 0.69 वन अपॉइंट 0.69693 अपॉइंट टी हाफ। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए कितना आता है, इसको आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं सीधा। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो घूम फिर कर फिर से एग्जाम में आ सकता है। तो जब आप वन को डिवाइड करोगे, वन डिवाइड बाई 0.693, तो ये आता है 1.44। तो जो हमारा एवरेज लाइफ होता है या मीन लाइफ टाइम होता है वो होता है 1.44 टी हाफ। ये रिलेशन है। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या कौन सा रिलेशन दे रखा है। ये रिलेशन है एवरेज लाइफ टाइम और जो हमारा हाफ लाइफ टाइम है उसमें, ये रिलेशन है मीन लाइफ टाइम और डीके कांस्टेंट लेमडा में। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/लेमडा, ऑप्शन बी है लेमडा, ऑप्शन सी है एन लेमडा ln2, ऑप्शन डी भी दे रखा है हमें 2 ln 2 ln लेमडा। तो देखिए यहाँ पर जो मीन एवरेज लाइफ टाइम है वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपको टी हाफ की टर्म में पूछ सकता है इस एग्जाम में, तो ये होगा टी एवरेज इक्वल्स टू 1.44 टी हाफ। अब देखिए एक और रहता है हमारे पास जो क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इनको किसी तरह भी मॉडिफाई करके पूछ सकता है। तो इसमें दे रखा है वन क्यूरी डिफाइन कीजिए। तो देखिए आपको बता देते हैं, जो वन क्यूरी होता है पहले वन रदरफोर्ड, वन रदरफोर्ड होता है वो होता है द 10 10 टू द पावर 6 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। और जो वन क्यूरी होता है वो होता है 3.7 × 10 टू द पावर 10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं हम 3. ये वन रदरफोर्ड होता है 10 टू द पावर 6 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, और जो वन क्यूरी होते हैं वो होता 3.7 × 10 टू द पावर 10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो आप ऑप्शन देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है वन क्यूरी इज डिफाइंड एज, तो वन क्यूरी कितना होता है। ऑप्शन ए 1 डीके पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 10 टू द पावर 6 डीके डीके या डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड डिकेज पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3.7 × 10 टू द पावर 9 डिकेज पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 3.7 × 10 टू द पावर 16 डिकेज पर सेकेंड। देखिए इसमें क्वेश्चन में है पूछा वन क्यूरी, तो वन क्यूरी होता है वो होता है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 3.7 × 10 टू द पावर 9, लेकिन यहाँ पर होता है 10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी इज राइट। यदि यहाँ पर वन क्यू वन रदरफोर्ड की बात करता तब ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी राइट होता, लेकिन पूछा वन क्यूरी के इक्वल कितना होता है, तो वन क्यूरी होता है 3.7 × 10 टू द पावर 10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, और ऑप्शन में हमें 9 दे रखा है। तो मे बी ऑप्शन सी इज राइट। आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कोई है वो, अब एक क्वेश्चन हो रहा है जो BHU में भी 14 में वो कॉम्पटन इफेक्ट से है, उसमें दे रखा। देखिए जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है
उसमें जो लास्ट डेरिवेशन निकालने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू एच, हम लेमडा कॉन्स्टेंट वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं, वन माइनस कोस थीटा। ये थीटा एंगल है, किस एंगल पर जो हमारा फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जा रहा है। यहाँ पर जो थीटा है, देखिए आप जो कॉन्टेन एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था रेस्ट में था, यहाँ से कोई हमारे पास फोटोन जिसकी एनर्जी ई है और फ्रिक्वेंसी न्यू है, जब वह इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है तब फोटोन उस एंगल, ये हमारा फोटोन है, फोटोन स्कैटर्ड फोटोन, ये इस एंगल थीटा पर स्कैटर्ड हो जा रहा है, और जो हमारा ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन था वो किसी, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ये किसी एंगल फाइव पर स्कैटर्ड हो जा रहा है। तो जो ये एंगल है वो है थीटा, यानी कि थीटा इज ए एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन फ्रॉम द रेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, ये थीटा है एंगल जिस पर इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है हमारा वो स्कैटर्ड हो जा रहा है। अब क्या है, दैट क्वांटम शिफ्ट इन एक्सरे वेवलेंथ डिपेंड ऑन, जो हमारी क्वांटम शिफ्ट होती है वेवलेंथ एक्सरे वेवलेंथ डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करती है, अब देख पा रहे होंगे जो हमारी शिफ्ट इन वेवलेंथ है वो केवल और केवल इस एंगल पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं है जिस पर वह डिपेंड करती है। तो देखिए ऑप्शन ए है स्कैटर्ड एंगल ओनली, तो ऑप्शन ए राइट होगा। जो हमारी शिफ्ट इन वेवलेंथ होती है क्वांटम इफेक्ट में वो है केवल और केवल जिस एंगल पर जो हमारा फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जा रहा है उस पर ही डिपेंड करती है। ऑप्शन बी है स्कैटर्ड एंगल एंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बोथ, ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट एक्सरे उसकी वेवलेंथ उस जिस एंगल पर जो हमारा फोटोन स्कैटर्ड हो जा रहा है उस दोनों पर, लेकिन यहाँ पर जो वेवलेंथ है शिफ्ट इन वेवलेंथ वो किस एंगल पर जो फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जा रहा है उस पर डिपेंड करती है। और ऑप्शन सी है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे ओनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ वन टू थ्री, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए राइट होगा वो केवल होगा स्कैटरिंग एंगल ओनली, स्कैटरिंग एंगल ओनली। देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम और कुछ बी एच यू डी यू इनके क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।